Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. Okay bachcho, so now we are continuing the poem we were studying in the previous video and the name of the poem is Mother and the Mouse. तो बच्चों हमने इस पोयम में अभी तक पढ़ा था कि जो छोटा बच्चा है उसकी मम्मा जो है वो चूहे से डरती हैं और चूहे को देख करके वो एक किचन सिंक के ऊपर चढ़ जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तो जो बच्चा है वो ये देख करके शॉक हो जाता है कि वो मम्मी जो कभी किसी से नहीं डरती थी और बल्कि उनकी बड़ी बड़ी आंखों से वो बच्चा डर जाया करता था, उसको कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती थी अगर मम्मी ने आंखें दिखा दी तो वो देखता है कि उसकी मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा डर गई है। तो वो क्या करता है, वो उस चूहे को भगाता है जिससे उसकी मम्मी जो थी वो डर रही थी। आगे की पोयम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बच्चे ने क्या किया, सो जो बच्चा है वो बोलता है I picked up broom and shooed at it. I chased it to the hall. I almost whacked it sharply for driving mummy up the hall, up the wall. So बच्चा कहता है मैंने फटाफट से एक broom उठाई। Broom क्या होता है बच्चों? Broom होती है झाड़ू। झाड़ू लगाते हैं नाम घर में सफाई करने के लिए, तो उसको कहते हैं broom। और shooed मतलब जैसे कि आप बच्चों सड़क पे कोई डॉगी वगैरह होते हैं आप ऐसे करके भगाते हैं ना, या कोई भी चीज होती है उसको शू शू करके भगाते हैं ऐसे करके, तो वैसे ही वो बच्चा कहता है मैंने फटाफट से एक झाड़ू उठाई और उस चूहे को भगाना शुरू कर दिया, उसको शू शू करना शुरू कर दिया। I chased it to the hall. Chase मतलब भगाना, chase मतलब भगाना। तो उसने बच्चे ने क्या किया, उसने बच्चे ने फटाफट से एक झाड़ू उठाई और उसने चूहे को भगाना शुरू कर दिया। भगाते हुए उसने उसको किचन से निकाल करके हॉल में ले गया। I almost whacked it sharply. Whacked मतलब जोर से मारना, जोर से हिट करना, ठीक है। तो किसी भी चीज को हम जोर से हिट करते हैं उसे whack करना कहते हैं। तो उसने क्या किया, उसने बहुत ही जोर से आवाज करते हुए उस चूहे पे हमला किया, अटैक किया। For driving mummy up that wall. और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी मम्मी जो थी वो ये आवाज सुन करके और डर गई और वो सिंक पे क्या, वो अब तो किचन की दीवार तक ऊपर ऊपर खड़ी हो गई। उस दीवार पे, उस किचन की सिंक के स्लैब पे जो थी वो खड़ी हो गई, वो और ज्यादा डरने लगी। तो बच्चा जो है यहाँ पे चूहे को भगा रहा है और उसकी मम्मी जो है वो इतना डर रही है कि पहले तो वो सिंक पे बैठी हुई थी, अभी वो दीवार के सहारे खड़ी हो गई है ताकि चूहा जो है वो उनके ऊपर जंप ना कर जाए, कहीं उनके ऊपर चूहा ना आ जाए, ठीक है। तो ये बच्चा ऐसा काम करता है, चूहे को भगाता है। आगे बढ़ते हैं। बट इट वॉज क्विक एंड कनिंग। इट किसके लिए यूज किया है बच्चों, रैट के लिए, वो चूहे के लिए, वो माउस के लिए, ठीक है। But it was quick and cunning and soon gave me the slip. It vanished in the hallway into the garden skip. अब क्या हुआ, वो बच्चा कहता है कि लेकिन वो जो चूहा था वो बहुत ज्यादा क्विक मतलब बहुत ज्यादा तेज था, बहुत ज्यादा चालाक था। क्विक मतलब एकदम भागने वाला, एकदम तेज भागने वाला, और कनिंग मतलब चालाक। तो वो कहता है कि लेकिन वो चूहा जो है वो बहुत ज्यादा क्विक था, बहुत ज्यादा चालाक था और वो मुझे स्लिप यानी कि धोखा दे गया, वहां से मुझे धोखा देख करके भाग गया। इट वैनिश्ड इन द हॉलवे। वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, हॉलवे यानी कि वो जो रास्ता था जहाँ पे जहाँ से निकल के हॉल में पहुँचते थे जो कि गार्डन को निकलता था। तो कहता है कि इट वैनिश्ड इन द हॉलवे इनटू द गार्डन स्किप, यानी कि वो उस हॉलवे से होता हुआ वहां से गायब हो गया और शायद वो वहां से जो गार्डन था वहां पर चला गया था, यानी कि वो गार्डन में जाकर छिप गया था, वो हॉल में से निकल के गार्डन में जाकर छिप गया था। कौन निकल के छिप गया था, वो जो चूहा था वो, उसने जो बच्चा है उसको धोखा दिया और उसको धोखा देख करके भाग गया। कोई भी चूहा होता है आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे वो फटाफट फटाफट भाग जाते हैं, उसको पकड़ ही नहीं पाते है ना। तो वैसे ही वो चूहे के साथ भी हुआ, वो बच्चे के साथ भी हुआ, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, भगाने की कोशिश करता है, चूहा जो है वो चालाकी से छुपने लगता है और गार्डन में भाग जाता है। आगे पढ़ते हैं। I ran into the kitchen, held my mummy down, trembling like an autumn leaf. She wore a frightened frown. अब क्या हुआ बच्चों?
उसको कहता है कि मैं फटाफट से, जैसे चूहा बाहर से भाग जाता है, मैं फटाफट से भागता हूँ, किचन में जाता हूँ, अपनी मम्मी को हेल्प करता हूँ, उनको नीचे उतारता हूँ। और मेरी मम्मी जो है वो क्या हो रही है, ट्रेम्बल कर रही है, यानी कि डर रही है, घबरा रही है, जैसे कि ऑटम सीजन, पतझड़ का जो सीजन होता है, पेड़ से पत्ती टूट के गिरने लगती है, ठीक है, सारी पत्तियां जो है पेड़ पे से गिर जाती हैं, झड़ने लगती हैं। वैसे ही वो कहता है कि मेरी मम्मी, जैसे कि पतझड़ का मौसम चल रहा हो, पत्तियां गिर रही हो, वैसे ही मेरी मम्मी भी इतनी ज्यादा घबरा रही थी, उनके फेस से ऐसा दिख रहा था कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। और शी वोरा फ्राइटेंड फ्राउन, मीन्स वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इतनी ज्यादा डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी एक एक जगह से उनको उनका डर दिखाई दे रहा था, वो डर के मारे कांप रही थी। तो वो अपनी मम्मी को हेल्प करता है, उन्हें जाकर उनके हेल्प करता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसने चूहे को भगा दिया है। फिर आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। आगे वो बच्चा कहता है, I don't like mice, she whispered, her big eyes round with fear. I felt like superheroes do, so glad that I was near. अब वो बच्चा है, वो कहता है कि वो उसकी मम्मी, जैसे वो मम्मी के पास जाता है, उन्हें हेल्प करता है, नीचे उतारता है, तो वो उनको वो विस्पर करती है, विस्पर मतलब बहुत हल्के हल्के बोलना, बोलती है I don't like mice, मुझे चूहे बिल्कुल नहीं पसंद है। हर बिग आईज राउंड विद फियर, उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी जिनसे मैं डरता था, आज वो आंखों में मुझे डर दिखाई दे रहा था। लेकिन बच्चा कहता है आई फेल्ट लाइक सुपर हीरोज डू, जैसे कि सुपर हीरोज करते हैं ना, कोई भी मुसीबत में होते हैं फटाफट पहुंच करके उसको बचा लेते हैं, वैसे ही जो बच्चा है उसने अपनी मम्मी के जो मम्मी जो डर रही थी उस चूहे से, तो उसने चूहे को भगा करके ऐसा काम किया है जैसे कि सुपर हीरोज करते हैं। तो उसे सुपर हीरो वाली फीलिंग आती है और वो इतना खुश होता है कि आज मैं अपनी मम्मा के पास था और मैंने अपनी मम्मा की हेल्प की। वो बहुत ज्यादा खुश होता है ये सोच के कि भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि मैं अपनी मम्मी के पास था और मैं उनकी हेल्प कर पाया, और मुझे बहुत खुशी है मैंने मम्मी को हेल्प करने के लिए वो चूहा जो है वो भगा दिया है। आगे पढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम। I told her not to worry, with the mice I was at war, I promised her that she'd be safe, or that's what children are for. तो वो क्या कहता है, वो कहता है अपनी मम्मा से कि मम्मी आप चिंता मत कीजिए, I told her not to worry, मैं उनसे कहता हूँ कि मम्मा चिंता मत कीजिए, with the mice I was at war, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अभी चूहे के साथ एक वॉर लड़के आया हूँ, एक युद्ध लड़के आया हूँ, यानी कि मैं उसके साथ युद्ध लड़के आया हूँ, उसको भगा करके आया हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगी, आप सेफ रहेंगी, क्यों, क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ, मैं हमेशा उस चूहे को भगा दूंगा, फॉर दैट व्हाट चिल्ड्रन आर फॉर। तो वो कहते हैं कि और उसी के लिए जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे जो हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि अपने मम्मी पापा की हेल्प कर सके, और आज क्योंकि आपको चूहे से डर लग रहा है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी सेफ्टी करूंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि बच्चे होते ही इसीलिए हैं कि वो अपने मम्मी पापा की हेल्प करें, वक्त आने पर उनकी सुरक्षा भी करें। तो वो अपनी मम्मा को प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा अपनी मम्मा के साथ रहेगा, उनकी हेल्प करेगा। आप भी बच्चों अपनी मम्मा के साथ रहेंगे ना, अपने मम्मी पापा की हेल्प करना हमेशा, ठीक है। गुड बच्चे जो होते हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं, वो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। सो बच्चों, ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। जो बच्चा था उसने मॉन्स्टर को भगा दिया था, मम्मी को बचा लिया था, और वो एक सुपर हीरो बन गया था अपनी मम्मा के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी पोयम, और इस पोयम को लिखने वाली है फेथ फ्रैक्शन, ये इसकी पोएट है, ये एक फीमेल पोएट है, इसलिए हम इनको पोएटेस कहेंगे, ठीक है। फीमेल पोएट को क्या कहते हैं, पोएटेस। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोयम फेथ फ्रैक्शन, पोएटेस का नाम है, याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नाउ आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।